छत्तीसगढ़ की राजधानी नए रायपुर में 218 करोड़ रुपए का काम निरस्त कर दिया गया है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायपुर कंस्ट्रक्शन के 218 करोड़ रुपए का काम निरस्त किया गया है। कंपनी पूर्व मंत्री अकबर के परिवार से जुड़ी हुई है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि रायपुर कंस्ट्रक्शन कंपनी विलम्ब और गुणवत्ताहीन काम कर रही थी, जिसे कांग्रेस सरकार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दे रही थी, लेकिन अब हमारी सरकार में गुणवत्ताहीन काम बर्दाश्त नहीं होगा। बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की तर्ज पर राज्य राजधानी क्षेत्र का विकास करने की प्लानिंग बनाई गई थी, सरकार द्वारा ये काम किया जा रहा था। ओपी चौधरी ने विभागीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें जनहितों के कार्यों में लेट लतीफी करने के लिए 218 करोड़ रुपए के 10 निर्माण कार्यों को पुराने ठेकेदार से अनुबंध निरस्त कर दिया गया। बैठक में ओपी चौधरी ने कहा कि गुणवत्ताहीन कार्य करने वाले ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई व अनुबंध समाप्त किया जाए। मंत्री ने कहा कि सभी परियोजनाएं समय सीमा में पूरी हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि बार बार नोटिस देने के बाद भी कई ठेकेदारों की स्थिति नहीं सुधरी। वहीं स्मार्ट सिटी के ज्यादातर काम गिने चुने ठेकेदार ही कर रहे हैं। गुणवत्ता प्रभावित होने के साथ साथ कार्यों में गति भी नहीं आ रही थी। कांग्रेस सरकार में राजनीतिक सह से लगातार एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन दिया जा रहा था। भारत सरकार से स्मार्ट सिटी का जो पैसा आया था उसका दुरुपयोग किया जा रहा था, इसलिए हमने कठोर निर्णय लिया है और नया रायपुर के विकास को बाधित करने वाले ऐसे तत्वों को के टेंडर को निरस्त करने का काम किया है। कई लोग बता रहे हैं कि मोहम्मद अकबर जी के परिवार से जुड़ा हुआ कंस्ट्रक्शन एजेंसी था, लेकिन उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जो अनावश्यक विलंब करेगा, गुणवत्ताविहीन काम करेगा, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हम डैशबोर्ड बनाकर बड़ी सोफिस्टिकेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से नया रायपुर और सारी एजेंसी के कामों को हम आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब मिल करके अच्छे तरीके से काम को आगे बढ़ाएंगे, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस को इंश्योर करेंगे। सर, कोई लीगल एक्शन भी मूव करेंगे क्या? टेक्निकल टीम हमारी देख रही है, जहाँ पर जो भी विषय रहेंगे हम सब। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के कार्यकाल में डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं नुकसान भोगना पड़ा? इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC 24 के हमारे YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।